हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टेटनस का इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है, किस लिए उनको लगाना चाहिए, अगर वो नहीं लगाती हैं तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा और गर्भवती महिलाओं पे क्या असर पड़ेगा प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। तो आज इसी टॉपिक में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, टेटनस का इंजेक्शन। सबसे पहली बात, टेटनस टीटी, उसको टीटी और अभी के टाइम में उसको टीडी बोला जाता है। टीटी मतलब होता है टेटनस टॉक्सॉइड। पहले गर्भवती महिलाओं को टेटनस टॉक्सॉइड के नाम से इंजेक्शन को दिया जाता था, लेकिन अभी उसको चेंज कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया है टेटनस डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। इस फॉर्म में अभी मेडिसिन इंजेक्शन दिया जाता है गर्भवती महिलाओं को। टेटनस एक ऐसी बीमारी है, एक डिजीज कंडीशन है। अगर किसी को ये टेटनस की बीमारी हो जाती है तो उसके शरीर में उसकी मांसपेशियां हैं उसमें अकड़न आना शुरू हो जाता है, झटके आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेटनस है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया के फॉर्म में होता है जो हमारे शरीर में एंटर होने के बाद में ये सारे सिम्टम दिखाना शुरू करता है। तो ये टेटनस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है टेटनस बैसिलस क्लॉस्ट्रिडियम। टेटनाइन इस नाम से ये बैक्टीरिया होता है, एक प्रकार का एंडोटॉक्सिन्स है जो कि हमारे शरीर में किसी न किसी थ्रू एंट्री हो जाता है, जिसकी वजह से ये मसल्स स्पाज, कन्वर्जन, मसल्स का स्टिफनेस, हमारे शरीरों में अकड़न लाना, हमारी मांसपेशियों में सबसे पहले हमारे जो जबड़े हैं वहाँ के मांसपेशियों में अकड़न आना, इस तरीके से लक्षण दिखते हैं जो कि खतरनाक लक्षण हैं। और वही यही चीज अगर गर्भवती महिलाओं में होता है तो उसके बच्चे पे बहुत ज़्यादा खतरनाक असर दिखता है। तो सबसे पहली बात, टेटनस होने पे क्या लक्षण दिखता है। टेटनस होने पे सबसे पहले आपकी जो मसल्स का स्पाज्म होगा, मसल्स स्पाज्म मतलब हमारी जो मांसपेशियां हैं वो अकड़ने लग जाएंगी, साथ में बहुत ज्यादा मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन टेटनस के कंडीशन में सबसे पहले आपके च्यूइंग मसल, जिस चीज आप चबाते हैं, खाना चबाते हैं, तो वहां की जो मांसपेशियां हैं मुंह की, सबसे पहले मुंह का मांसपेशियों में अकड़न आएगा। मुंह की मांसपेशियों में अकड़न होने के बाद में वो नेक, गले की मांसपेशियों में अकड़न लाना शुरू करता है। गले की मांसपेशियों के साथ साथ पूरे चेहरे की मांसपेशियों में अकड़न लाना शुरू करता है। उसके बाद वो जो अकड़न है वो पूरे शरीर में धीरे 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 फैलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि अगर हम इसको समय रहते ठीक नहीं किए तो जो पर्सन है जिसको टेटनस का इन्फेक्शन हुआ है वो डेथ भी हो सकता है, वो मर सकता है इस टेटनस की बीमारी की वजह से। अब हम देखेंगे गर्भवती महिलाओं के शरीर में ये टेटनस का इन्फेक्शन कैसे घुसता है या कैसे होता है। गर्भवती महिलाएं हैं, जब वो गर्भवती होती है तो उस कंडीशन में उनका जो जेनाइटल ट्रैक्ट है इस एरिया में बैक्टीरिया एंटर करता है। जेनाइटल ट्रैक्ट जो प्रजनन अंग है निचली हिस्सा में, वहां से बैक्टीरिया एंटर करता है। वो बैक्टीरिया एंटर करने के बाद में पूरे शरीर में फैलता है। शरीर में फैलने के बाद में वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए, मतलब बैक्टीरिया अपना प्रोडक्ट रिलीज करता है। उस प्रोडक्ट का नाम है टेटनोस्पाज्मिन। ये टॉक्सिन जब शरीर में रिलीज होता है गर्भवती महिलाएं के, तो वो डायरेक्टली बच्चे की तरफ जाता है, फीटस की तरफ जाता है, और फीटस का नर्वस सिस्टम, कार्डियक सिस्टम और अदर ऑर्गेन्स को डैमेज करना शुरू कर देता है। जो बच्चा है, गर्भ में पल रहा बच्चा, उसके दिल को, उसके दिमाग को, उसके सारे शरीर के अंगों को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। अगर समय रहते टेटनस के इंजेक्शन नहीं लगा है, टीटी का इंजेक्शन नहीं लगा है, तो हम कई बार बच्चे को डेथ भी हो सकता है, बच्चा मर भी सकता है, बच्चे की डेथफुल कंडीशन हो सकती है। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक गर्भवती महिलाओं को समय रहते टीटी का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, अदरवाइज उनके जो फीटस है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे जो माताएं हैं गर्भवती, उनको क्या बेनिफिट होता है टीटी इंजेक्शन लगाने का। बेनिफिट मतलब फ़ायदा क्या क्या होगा उनको टीटी इंजेक्शन लगाने का। तो फायदे में सबसे पहले है, जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनका सबसे पहले शरीर में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होगा। एंटीबॉडीज़ मतलब
हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम के लिए काम करने वाले जो एंटीबॉडीज होते हैं, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, वो बढ़ेगी। किसी भी बीमारी के खिलाफ, किसी भी आने वाले खतरे के खिलाफ टेटनस लगाने के बाद में एंटीबॉडी का बढ़ाव होगा। उसके बाद दूसरी बात है, जो महिलाएं हैं उनके हेल्थ इम्प्रूव होंगे, क्योंकि ये सब टीटी के इंजेक्शन लगाने के बाद में जो मांसपेशियों में जो अकड़न आने की जो संभावना होती है वो सब दूर हो जाएगी। हेल्थ इंप्रूव होगा, हेल्थ इंप्रूव होगा तो सही तरीके से वो लेबर कर पाएगी, बच्चे को डिलीवर कर पाएगी। तीसरा है, बच्चे के लिए अच्छा है ये चीज, चाइल्ड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टीटी इंजेक्शन लगाने के बाद जो बच्चे में होने वाले कॉम्प्लिकेशन है वो दूर हो जाएगा, और बच्चे होने के बाद भी जो कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर बर्थ वो भी सारा दूर हो जाएगा, क्योंकि टीटी लगने के बाद में माता भी स्वस्थ रहेगी, साथ में जो बच्चा है डिलीवर हुआ है वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी और अच्छा रहेगा, और शरीर में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने देगा, रिस्क को रिड्यूस कर देगा। टीटी से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन होने का जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस कर देगा टीटी इंजेक्शन। तो इस तरीके से बेनिफिट होगा माताओं को टीटी इंजेक्शन लगाने का और साथ में उनके बच्चों को भी। अब हम देखेंगे डोज। डोज मतलब कब कब देना है, कितनी मात्रा में देना है टीटी का इंजेक्शन। तो डोज में सबसे पहला होता है पहला डोज जो होता है वो, जैसे कि पहली बार जो गर्भवती हो रही है जिसको हम लोग प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं, तो प्राइमरी ग्रेविडा के कंडीशन में जितना जल्दी हो सके, जब आपको पता चला है तब आपको ये पहला डोज लगवाना है, एस अर्ली एस पॉसिबल टीटी का इंजेक्शन का पहला डोज लग जाना चाहिए। दूसरा डोज होता है पहला डोज लगने के जस्ट चार हफ्ते के बाद दूसरा डोज लगाएंगे। जैसे कि आपको इस महीने के 15 तारीख को ये टीटी का इंजेक्शन लगा है, तो आपको अगले महीने मार्च के 15 तारीख तक टीटी का इंजेक्शन लग जाना चाहिए। 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादा दिन डिले नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा डोज है, जब पहला बच्चा पैदा हो गया है उसके 3 साल के अंतराल में लग जाना चाहिए। तीन साल के अंतराल में बच्चा पैदा होने के बाद तीसरा डोज टीटी का लग जाना चाहिए। ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, और आगे कभी आप प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी हो रहा है आपका, मतलब इस बच्चे के बाद अगर कोई बच्चा हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको ये डोज, पहला डोज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको सिंगल डोज लगेगा, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी टीटी जो है वो इम्यूनिटी रेजिस्ट कर चुका है, बना चुका है, एंटीबॉडीज बना चुका है किसी भी टीटी से रिलेटेड बीमारी से लड़ने के लिए या टीटी का इन्फेक्शन होने के लिए। तो आपको इस तरीके से डोज कंप्लीट करना है। अब हम देखेंगे रूट। रूट मतलब कहाँ लगता है, तो ये इंट्रामस्कुलर लगता है, IM रूट लगता है, मसल्स में लगता है, मसल्स में आपके दोनों जगह लगता है, पहला है डेल्टॉइड एरिया और दूसरा है ग्लूटियल एरिया। डेल्टॉइड मसल्स यहाँ पे होता है, ग्लूटियल मसल्स नीचे बटक्स में होता है, तो इस तरीके से लगाया जाता है। अब इंजेक्शन में देखे जाएंगे कितनी मात्रा रखते हैं, तो 0.5 ml इसकी मात्रा होती है टीटी इंजेक्शन की, इतनी वॉल्यूम लेकर के आपको लगाया जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को टाइम पे समय रहते ही टीटी का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कुछ साइड इफेक्ट, क्योंकि हर चीज का, हर मेडिसिन का, हर इंजेक्शन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, और हर इंजेक्शन हर किसी चीज लोगों को सूट नहीं करता है। तो हम देखेंगे इसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा फटीग होगा, थकान होगा, ये टीटी के इंजेक्शन लगाने के बाद वो थकी थकी महसूस करेंगे कई लोगों को। उसके बाद जहां इंजेक्शन लगा है जिस साइड में, चाहे डेल्टॉइड मसल्स हो चाहे ग्लूटियल मसल्स हो, उस एरिया में गर्भवती महिलाओं को थोड़ा थोड़ा पेन बना रहेगा, दर्द बना रहेगा, जिससे वो अच्छा फील नहीं कर पाएंगी। उसके बाद कई लोगों को बुखार भी आ जाता है इंजेक्शन का, क्योंकि एक प्रकार से बुखार आना एक प्रकार से अच्छा संकेत है कि आपको बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप्ड हो रहा है। उसके बाद है डायरिया हो जाना बहुत ज्यादा मात्रा में, लूज मोशन पास होना। उसके बाद है वॉमिटिंग, जो महिलाएं हैं कई महिलाओं को वॉमिटिंग जैसा फील होगा इंजेक्शन लगाने के बाद में, कई महिलाओं को पेट में दर्द होगा, स्टमक एक होगा, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन टाइप के या साइड इफेक्ट देखे जाते हैं टीटी इंजेक्शन लगाने के बाद में। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि क्यों गर्भवती महिलाओं को टीटी का इंजेक्शन लगाना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है वो, क्यों जरूरी है, और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स, कौन से साइड में ले सकते हैं, कितना रूट है, कितना डोज है, सब चीज के बारे में हमने अच्छे से देखा। तो आई होप कि आपको आज की टॉपिक अच्छे से समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।